नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबादसा बलिक। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। एक दौर में यूपी में शासन माफियाओं से चलता था और वहां पर मनमानी जो है वो गुंडों की होती थी, लेकिन अब जो राज है वो बदल चुका है और ईमानदारी से योगी सरकार वहां पर काम कर रही है और माफियाओं को जेल पहुंचा दिया गया है। यूपी में माफिया राज चलाने वाले अब सलाखों में है। योगी सरकार यूपी के विकास में जुटी हुई है, तो पीएम मोदी अलीगढ़ के दौरे पर वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात भी दी और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। आप इसे बीजेपी की मिशन यूपी की शुरुआत कह सकते हैं। तो माफिया राज चलाने वाले अब सलाखों के पीछे हैं, ईमानदारी से योगी सरकार वहां पर काम कर रही है। गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस ना आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2017 से पहले लगातार विकास में रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना को लागू कराने के लिए दर्जनों बार चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं,
जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे, एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। तो 2017 से पहले क्या होता था इसकी याद दिलाई पीएम मोदी ने, और वहीं आज अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सीधा निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा? तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां है? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिसेस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिसेस किस सरकार को मिले हैं? अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधते हुए कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई होने से अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही। अखिलेश यादव जी को आज बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस तरह से अपनी शासन सत्ता के समय में उन्होंने तमाम माफियाओं के अपराधियों की संपत्तियों को बनवाने का काम किया था, आज योगी आदित्यनाथ जी उनके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूत करने का काम किया है, ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इसी नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितनी भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। और एक ओर जहां अपराधियों पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद का बचाव करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक अहमद को चुनाव लड़वाएंगे। साथ ही तालिबान की आलोचना कर रहे लोगों को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की। हमारे शौकत साहब सदर ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी कर लड़ने की। मुख्तार साहब को विचार को टिकट लेंगे या टिकट मिलेगा? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम, उस बारे में तो नहीं मालूम। हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं, अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आपसे? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है, हैं? हैं, 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 क्या बात है, हैं? 37% एमएलए बीजेपी के, इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, जेडीयू इतने एमपी हैं, कितनों पर केस है बताइए? सब क्या है, लोकप्रिय नेता है पूरे, ये इनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया उसको, और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे, और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा डीलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.